दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों भारत के प्रमुख पुरस्कार 2021 से संबंधित, इसके अंदर दोस्तों 93 ओस्कर पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पुरस्कार से संबंधित एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जा रहे हैं, तो आपका इस वीडियो के जरिए एक अंक बिल्कुल पक्का होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप न करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। पहले बात कर लेते हैं हम ओस्कर पुरस्कार। दोस्तों ओस्कर पुरस्कार जो है 25 अप्रैल 2021 को अमेरिकी फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 93वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार लॉस एंजेलिस अमेरिका में प्रदान किए गए हैं। ओस्कर पुरस्कार जो है वो 2021 के अंदर 93वें नंबर के ओस्कर पुरस्कार हैं, और ये जो पुरस्कार है लॉस एंजेलिस अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं, और इन पुरस्कार को ओस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वही पुरस्कार बताएंगे जो आपके करंट से संबंधित हैं, और इनके क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। दोस्तों 2021 के एंड का ये वीडियो है, और दोस्तों 2022 के शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च के अंदर जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उनके अंदर 100% इसमें से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ओस्कर पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो नोमैडलैंड है, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो एंथनी हॉपकिंग है, और जो इनकी फिल्म है वो द फादर है। उसके बाद दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हैं वो फ्रांसिस मैकडोरमैंड है, और इनकी जो फिल्म है वो नोमैडलैंड है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो है क्लाइव जाओ है, और इनकी जो फिल्म है वो नोमैडलैंड है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड उसी को ओस्कर पुरस्कार मिला है, और इसी के अंदर दोस्तों निदेशक और अभिनेत्री को भी यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि अभिनेता के अंदर एंथनी हॉपकिंस को द फादर फिल्म के लिए दिया गया है। अगले पुरस्कार है दोस्तों भारत रत्न। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो करंट के अंदर दोस्तों 2019 के अंदर दिए गए हैं, उसके बाद दोस्तों अभी भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। तो किन किन तीन जो प्रमुख लोग हैं उनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। पहला है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, और दूसरा है जनसंघ के जो नेता हैं नानाजी देशमुख को, और एक प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है वो 8 अगस्त 2019 को भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों भारत रत्न जो हैं वो 25 जनवरी को इनकी घोषणा की गई थी। उसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम पद्म विभूषण पुरस्कार। दोस्तों ये वही पुरस्कार है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जा रहे हैं। तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है दोस्तों ये 7 लोगों को दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला है शिंजो आबे, जिनको जनसेवा के अंदर दिया गया है, और ये दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बाद SP बाला सुब्रमण्यम, इनके मरणोपरांत दिया गया है, और कला से संबंधित, और ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों मोनप्पा हेगड़े, और ये चिकित्सा से संबंधित है, और ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों नरेंद्र सी कपाणी, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ऑप्टिकल फाइबर के लिए इनको दिया गया है, और ये USA से संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों मौलाना वहीउद्दीन खान, अध्यात्म के लिए दिया गया, और ये दिल्ली से संबंधित हैं। बीबी लाल, पुरातत्व से संबंधित हैं, और ये भी दिल्ली से रिलेटेड हैं। उसके बाद दोस्तों सुदर्शन साहू, कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया, और ये ओडिशा से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये थी पद्म विभूषण की लिस्ट जो आपके 7 जनों को प्रदान किए गए हैं। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 5 व्यक्तियों को मिले हैं, और इस अवार्ड को जीतने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार के तौर पर एक मेडल सर्टिफिकेट, उसके बाद जो राशि है वो 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है।
और इन खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 के अंदर हुई थी। अभी इनका नाम चेंज करके हाल ही में इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये 5 जनों को मिले हैं हाल ही में। तो जो पहला है वो है रोहित शर्मा, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु या मरियप्पन टी, ये पैरा एथलेटिक हैं। उसके बाद मानिका बत्रा जो टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, और विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित हैं, और रानी रामपाल जो है वो हॉकी से संबंधित है। इन 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों नोबल पुरस्कार 2021 के विजेताओं की लिस्ट। नोबल पुरस्कार जो है दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपको बता देते हैं, सबसे पहले दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में, दोस्तों डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। भौतिक विज्ञान में दोस्तों मानवे क्लास हेसलमैन और जियोर्जिया पेरिसिक को मिला गया। उसके बाद रसायन शास्त्र में दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुन्हा को दिया गया है और ये तंजानिया के नॉर्वे लिस्ट में शामिल है। उसके बाद दोस्तों शांति का मारिया रेसा और द मित्री मुराटाओ को दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अर्थशास्त्र का डेविड कार्ड और जोशुआ एनग्रेट कुई को दिया गया है। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे 100% एक एक क्षेत्र से आपका क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो या शांति का या फिर अर्थशास्त्र से संबंधित हो। आगे दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दोस्तों 50वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, और 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। तो वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और रजनीकांत को ये दिया गया है, जो साउथ की फिल्मों के एक्ट्रेस है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, और इसकी घोषणा नई दिल्ली में की जा रही है। और दोस्तों ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात करें तो वह मरक्कर है, और ये दोस्तों मलयालम फिल्म है, साउथ की है, और इसका सब टाइटल लॉयन ऑफ द अरेबियन सी है। उसके बाद दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो मनोज वाजपेयी और धनुष जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को, इसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कंगना रनौत हैं, और इनको मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है दोस्तों पल्लवी जोशी, और द ताशकंद फाइल के लिए इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सुपर डिलक्स के लिए दोस्तों विजय सेतुपति को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बात करें सर्वश्रेष्ठ निदेशक की, 72 हुरे के लिए संजय पूरण सी चौहान को ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक हैं वो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।